बिहार की सियासत इन दिनों गिरगिट की तरह हो गई है। आपको बता दें कि कब क्या हो जाए ये पता नहीं चलता। बता दें इन दिनों मुद्दा है चिराग पासवान को लेकर गरम। चिराग पासवान भी एक युवा नेता हैं और हमारे साथ भी एक युवा नेता हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि जो चिराग पासवान के साथ हो रहा है, अगर जिस तरह से बता दें कि रामविलास पासवान ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और उसके बाद उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जो हैं वो कहीं ना कहीं लोजपा पर दावा ठोक रहे हैं, तो ये युवा नेता हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी क्या प्रतिक्रिया है उस पर। नहीं, उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। वो दल पारिवारिक टाइप का दल है और उसमें सत्ता को पाने की सबके अंदर इच्छा है, तो वो सत्ता को पाने की लड़ाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि जनता के हित के लिए अगर कोई बात होती और जनता के हित के लिए कोई नई पार्टी बनाई जाती, जनता के हित के लिए कोई ब्रेक होता, कोई टूटता, तो उसको लेकर के हमारी दिलचस्पी उसमें ज़रूर रहती, तो हमारी उसमें उस पूरे केस में कोई बहुत विशेष दिलचस्पी नहीं है। नहीं, जिस तरह से आप भी एक युवा हैं, माले के विधायक हैं और चिराग पासवान भी युवा हैं, इस नज़रिए से क्या देखते हैं कि जब कोई युवा कुछ आगे पढ़ना चाहता है तो कहीं ना कहीं उनके पांव खींचे जा रहे हैं क्या? अब एग्जैक्टली चिराग जी आगे बढ़ रहे थे इसलिए उनके चाचा जी पाँव खींच रहे हैं, या लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा जी अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं इसलिए खींच रहे हैं, या चाचा जी को लग रहा होगा कि हमारे अनुभवी होते हुए एक नौजवान को इतना बड़ा कमान दे दिया गया जो नहीं संभाल पा रहा इसलिए खींचा, ये तो उनका पारिवारिक मैटर है, ये पॉलिटिकल मैटर नहीं है। अब इसको राजनीतिक मैटर बेवजह बताया जा रहा है, ये राजनीतिक मुद्दा तो है ही नहीं। ये राजनीतिक मुद्दा कहाँ से, इसमें राजनीति कहाँ है? जब इशू नहीं होते तो राजनीति नहीं होता, इसलिए मैं समझता हूँ कि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह पारिवारिक मुद्दा है और हम लोग राजनीतिक सवालों पर अपने बयान देते हैं, पारिवारिक मुद्दों पर हम क्या बयान देंगे। सुभाष जी, आपने पूरे कोरोना काल में जो है वो लोगों की काफ़ी मदद की है, काफ़ी तस्वीरें आपकी निकल कर सामने आई थी, क्या लगता है सरकार ने इस कोरोना काल में किस तरीके की व्यवस्था की जो आपने देखा है? सरकार इस पूरे कोरोना काल में असफल साबित हुई है और सरकार का पूरा जो ढोंग है, जो मुलम्मा चढ़ाया था उसने कि हमने इतना डेवलपमेंट कर दिया है, कोरोना ने डेवलपमेंट के उस मुलम्मा को हटा दिया है और बिहार के जनता के सामने बिहार की वास्तविक तस्वीर पेश कर दी है। तस्वीर बिहार की यही है कि बिहार में ऑक्सीजन नहीं है, प्रति व्यक्ति डॉक्टर्स का जो संख्या अनुपात में होना चाहिए वो बहुत कम है। आज भी अस्पतालों में महज 20-25% डॉक्टर, ANM और अन्य अस्पताल कर्मी हैं जिसके सहारे अस्पताल चल रहे हैं। अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं मौजूद नहीं है, एक्सरे की मशीनें काम नहीं करती, ब्लड टेस्ट नहीं होता, अल्ट्रासाउंड काम नहीं करता, वेंटिलेटर तो है ही नहीं कहीं पूरे बिहार में, सिर्फ पटना में है कुछ अस्पतालों में, बाकी पूरे देश में कहीं वेंटिलेटर नहीं है, जहां अगर अचानक आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन हो गया तो उसमें वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है, तो वो नहीं है। तो पूरे बिहार के स्वास्थ्य सुविधा इस बार कोरोना ने स्पष्ट कर दिया है बिहार की जनता के सामने कि देखिए कि बिहार की सरकार आपके हेल्थ को लेकर के कितनी चिंतित है। आपने डॉक्टर्स और ANM की बात की, कल ही की बात है कि सिविल सर्जन ने बयान दिया है कि सांसद और जड़ियों के MLC के कहने पर 8 लोगों को भर्ती किया गया, क्या आपने कभी किया ऐसा? अरे नहीं, हम लोग जड़ियों के MLA थोड़े हैं, वो सरकार के लोग हैं और करप्शन में तो सरकार शामिल है, हर तरह के भ्रष्टाचार में। अगर सरकार, अगर सफेदपोश लोग भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होंगे तो कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो ये नेता, मंत्री, सांसद ये लोग तो हैं ही, वो स्पष्ट कर रहे हैं। सिविल सर्जन के बयान पर उन सांसद पे और MLC पर FIR होना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। हम तो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ये बड़ा करप्शन हुआ है, क्यों इन्होंने ऐसा कहा? हम तो मांग कर रहे हैं कि फ्रेश बहाली हो, हम तो कह रहे हैं कि अनुबंध पर भी बहाली नहीं हो, अस्थायी बहाली हो, तो हम तो ये मांग कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने पावर का इस्तेमाल करके गलत तरीके से बहाली करवा करके भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे रहे हैं, तो इन पर तो कार्रवाई होना चाहिए। एक तरफ कोरोना काल चल रहा था और दूसरी तरफ ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोजपा को तोड़ने में लगे हुए थे। कौन किसको तोड़ रहा है, कौन किसको जोड़ रहा है, इस राजनीति में हम यकीन नहीं करते। हम तो देख रहे हैं कि सरकार बिहार के जनता के मनोबल को तोड़ रही है, नौजवानों की आकांक्षाओं को तोड़ रही है, उनके सपनों को तोड़ रही है। हम तो नौजवानों के सपने, उनके आकांक्षाएं, उनके भविष्य को जो तोड़ने की कोशिश हो रही है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी कौन किसको तोड़ रहा है इधर, इसमें कोई बहुत बड़ा हमारी दिलचस्पी नहीं। एक सवाल ये भी है कि विधानसभा जब सत्र चल रहा था तो आप लोगों ने तमाम मुद्दों को उठाया, लेकिन जब अब कोरोना काल पीक पर नहीं है, ख़त्म है, अनलॉक की शुरुआत चल रही है, तो क्या अब फिर से माले कोई युवाओं के लिए कोई कदम उठाएगा, क्या फिर सड़कों पर आएगा? बिल्कुल, युवाओं के लिए लड़ते हुए ही हमने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और ये हमारे अंत तक जारी रहेगा। हम लोग आंदोलनकारी हैं, जैसे मोदी जी कहते हैं आंदोलनजीवी हैं, तो हम लोग आंदोलनजीवी हैं और हमारा काम ही है कि जनता को सत्ता के खिलाफ आंदोलन के लिए खड़ा करना और तैयार करना। हाँ, हम MLA हैं
तो हम फ्लोर पर भी विधानसभा में मजबूती के साथ नौजवानों के सवाल को उठाते हैं, और उसके बाद जब लौटते हैं तो हम नौजवानों के बीच में होते हैं, किसानों के बीच में होते हैं, मजदूरों के बीच में होते हैं। आफ्टर कोविड जो जॉब लॉस हुआ है, जॉब लेस पूरा इंडिया हो गया है, ऐसे समय में तो नौजवानों के साथ खड़ा रहना हमारी सबसे बड़ी जवाबदेही है। तो निश्चित तौर पर हम खड़ा रहेंगे, और सरकार ने जो वादा किया है नौजवानों को नौकरी देने का 19 लाख, ये कल उन्होंने कहा कि हम सबको अब लोन देंगे, तो ये लोन हमने तो इसी का विरोध हमने पूरे विधानसभा के दरमियान किया। हमने कहा कि महोदय लोन देना तो तय नहीं हुआ था, तय तो हुआ था रोज़गार देना, लेकिन सरकार 19 लाख नौकरी के अपने ही किए हुए वादे से मुकर रही है। निश्चित तौर पे हम पांचों साल उनके वादे को याद दिलाते रहेंगे, और इसके लिए आने वाले समय में जैसे ही नॉर्मल माहौल होगा फिर बिहार का नौजवान विधानसभा का घेराव करेगा और अपने सवालों को मजबूती के साथ उठाएगा। आपके नेता प्रतिपक्ष भी युवा है, तेजस्वी यादव भी युवा है, जिस तरह से बात कर ले कि कोरोना काल में तो लगातार जेडीयू ने एक ही सवाल खड़े किए हैं कि आखिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब तक हैं कहाँ। देखिए, मोदी जी ने राजनीति में एक परंपरा की शुरुआत किया था, और अब जो है सत्ता के लिए वो परंपराएं आगे बढ़ रही हैं। मोदी जी ने वो परंपरा शुरू किया, कोई भी समस्या हो तो राहुल जी से सवाल पूछ लो, अरे राहुल तो जवाब नहीं देंगे, नीतीश कुमार की पार्टी के लोग हैं कुछ भी तो तेजस्वी जवाब देंगे, तेजस्वी सीएम है क्या, तेजस्वी को मतलब जिम्मेदारी अस्पतालों में डॉक्टर के और नर्स की बहाली करने की, उनसे क्यों सवाल पूछते हैं आप। सवाल आपसे पूछी जाएगी, सत्ता और खजाने की चाबी आपको बिहार की जनता ने दिया है, हमें जो जिम्मेदारी दी है सवाल उठाने की हम उठा रहे हैं, तेजस्वी जी भी उठा रहे हैं आपसे, हम आपको आपका ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं, आप उस पर संज्ञान लीजिए और आप काम कीजिए, तो सत्ता आपको मिला है ना। लेकिन ये राजनीति का जो नया परंपरा शुरू हुआ है कि अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए हमेशा विपक्ष के ऊपर हमला कर दो, है ना, और इस तरीके से जनता को डाइवर्ट करने की कोशिश होती है, तो ये बहुत ही गलत परंपरा है, ये नहीं होना चाहिए। क्यों तेजस्वी जी से सवाल पूछा जाना चाहिए, सवाल का हर सवाल का जवाब नीतीश कुमार को देना ही होगा, जब तेजस्वी सीएम होंगे तब वो सवाल देंगे जवाब देंगे। बिल्कुल, शुक्रिया न्यूज़ फाउंडेशन से बात करने के लिए। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, माले विधायक थे, युवा थे, इनसे कई सवाल हमने जाने, बेबाकी से इन्होंने जवाब भी दिया, और देखने वाली बात ये होगी कि इन्होंने कहा है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है तो फिर से युवा विधानसभा का घेराव करेंगे। ये बड़ा बात है कि अब जब नॉर्मल होगा तो फिर से युवाओं के लिए आवाज़ उठेगा, रोजगार की मांग फिर चढ़ेगी। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।